मुझे कई बार आपके सवाल आते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे अच्छा रिटर्न हासिल करें। इन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर मैं तीन ऑप्शन बताता हूँ, जिसमें पहला है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, दूसरा है शेयर्स या स्टॉक में इन्वेस्ट करना और तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इनके अलावा भी आपके पास में बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन तीन ऑप्शन के बारे में ही बात करना पसंद करता हूँ। अब यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ी समस्या होती है शुरुआती इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अगर आप छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आपको कुछ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूर करना होता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, और यही वजह है कि ये ऑप्शन उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। स्टॉक्स की या शेयर्स की बात की जाए तो इसमें समस्या होती है रिस्क की, और अगर आपने सही तरीके से स्टॉक्स को नहीं चुना तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है, और यही कारण है कि स्टॉक्स का ऑप्शन भी कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। अब ऐसी सिचुएशन में जो म्यूचुअल फंड के रूप में तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो सभी के लिए प्रैक्टिकल हो जाता है और सुरक्षित भी। म्यूचुअल फंड की खास बात यह होती है कि आप चाहें तो इसमें 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, तो एक रुकावट यहाँ खत्म हो जाती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें रिटर्न भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, और तुलनात्मक रूप से ये काफी सुरक्षित ऑप्शन भी है। साथ ही इसे प्रोफेशनल तरीके से एक्सपर्ट मैनेजर मैनेज करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस को देखते हुए फंड को मैनेज करते हैं, ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चूंकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह पर पैसा लगा होता है, तो मार्केट के ऊपर नीचे होने के बाद भी नुकसान के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बहुत ही आसान और तेज होता है, जो कि इसे प्रॉपर्टी या शेयर से बेहतर बना देता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित ऑप्शन कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा या नहीं, वो आपकी किस्मत तय करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फायदे को आप खुद डिसाइड करें, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको नुकसान के चांसेस लगभग खत्म हो जाएं और आपको सिर्फ फायदा मिलता रहे। अब सवाल आता है कि ये कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आज मैं उसी बारे में बात करूंगा, और उसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर इजी प्लान का, जिनकी वजह से ये वीडियो मुमकिन हो पाया है। इजी प्लान एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए आप आसानी से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेफ्टी के साथ बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बता दूंगा, पर पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना कैसे है। इस डायरेक्शन में सबसे पहला कदम है, आप कम से कम 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड लीजिए। जब आप 10 साल या उससे ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न आसानी से पता चल जाते हैं। आमतौर पर 10 सालों में एक म्यूचुअल फंड ने अच्छा और बुरा दोनों ही वक्त देखा होता है, और इस बीच आपको जो एवरेज रिटर्न मिलते हैं, आप वैसे ही रिटर्न की उम्मीद आगे भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में एक म्यूचुअल फंड से एवरेज तौर पर एक इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है, तो आगे भी नुकसान होने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं जिसने 10 सालों में हमेशा ही फायदा दिया है, तो वो फंड आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, ये बात भी तय है। पर आप इस बात को तभी समझ सकते हैं जब आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेंगे जो कि लंबे वक्त से चल रहा है, और इसीलिए आपको ऐसा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जो कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा से चल रहा है। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का दूसरा कदम है एवरेज रिटर्न चेक करना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कोई भी म्यूचुअल फंड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको समझ आ जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा नहीं। अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, इसे समझने के लिए आप एवरेज रिटर्न को देखिए, और ये देखिए कि किसी म्यूचुअल फंड ने एवरेज रिटर्न कितना और कैसा दिया है। अगर एक म्यूचुअल फंड ने कभी ज्यादा और कभी कम रिटर्न दिए हैं, तो आपको उस फंड से दूर रहना चाहिए। पर अगर आप एक ऐसा फंड लेते हैं जिसके रिटर्न हर साल फायदा ही देते आए हैं, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो आपको आगे भी फायदा देगा। म्यूचुअल फंड को चुनते हुए जो तीसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है म्यूचुअल फंड के मैनेजर का पोर्टफोलियो चेक करना। एक म्यूचुअल फंड में कोई एक इंसान मैनेजर हो सकता है, या फिर दो लोग मैनेजर हो सकते हैं, या फिर कई लोगों की एक टीम भी उस तरह के फंड को मैनेज कर सकती है। अब अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनते हैं जो कि सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी अभी उस फंड का मैनेजर बदल गया है, अब ये जो नया फंड मैनेजर आया है, उसने पास्ट में जितने भी फंड्स को मैनेज करा है, वो सभी या अधिकतर फंड्स घाटे में रहे हैं, तो आपको इस तरीके के फंड से दूर रहना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक अच्छे फंड को कोई खराब फंड मैनेजर मैनेज करे, लेकिन फिर भी जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें, तो फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग स्टाइल, उसकी हिस्ट्री और बाकी के फैक्ट्स को जरूर चेक कर लीजिए। ये फैक्ट चेक करने के लिए आप किसी प्रोफाइल को पढ़कर उस पर यकीन मत करिए, बल्कि आप खुद की रिसर्च करिए। आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, तो थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब जो आखिरी बात आपको समझना है, वो है रिस्क और रिवॉर्ड के फैक्टर को समझना।
देखिए, हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि लोग स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें रिटर्न तो शानदार मिल जाते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बना रहता है। ये बात म्यूचुअल फंड्स के लिए भी लागू होती है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक्स या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और इस वजह से उन फंड्स में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क भी वैसा ही ज़्यादा बना रहता है और इन फंड्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। दूसरी तरीके के फंड होते हैं मार्केट डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि बेसिकली फिक्स इनकम सेगमेंट में पैसे लगाते हैं। ये सेगमेंट सरकारी या फिक्स इनकम बॉन्ड हो सकते हैं या फिर इसी तरीके के दूसरे ऑप्शंस, और इस वजह से आपको रिटर्न तो कम मिलते हैं लेकिन इनमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा बनी रहती है और जो एवरेज रिटर्न मिलते हैं लगभग हर साल एक जैसे होते हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेना होगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और जहाँ तक हो सके आपको सेफ गेम ही प्ले करना चाहिए। मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद भी मत करिए, बल्कि आप ये कोशिश करिए कि आपको सुरक्षित तरीके से रिटर्न मिलता रहे। जब आपको सेफ तरीके से रिटर्न मिलता रहेगा तो ये पैसा कंपाउंड होते हुए बढ़ता भी रहेगा और आपको एक लंबे वक्त में बहुत ज़्यादा फायदा भी दे देगा। इन चारों बातों के साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही पार्टनर को चुनें और इस दिशा में हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर ईजी प्लान आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ईजी प्लान के जरिए आप आसानी से और काफ़ी सेफ तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर आपको रेगुलर बैंक अकाउंट से लगभग डबल रिटर्न मिलता है। अच्छी बात यह है कि जो मैंने चारों बातें आपको बताई हैं, ईजी प्लान उन चारों ही बातों पर खरी उतरती है। और एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो सीधे ही ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड म्यूचुअल फंड में जाता है और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 13 सालों से हर साल करीब 7.2% का एवरेज रिटर्न दिया है। और यहाँ एक अच्छी बात यह भी रही है कि अगर किसी ने भी इस फंड में एक हफ्ते भी इन्वेस्ट करा है तो उनको लगभग हमेशा ही फायदे मिले हैं, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर नुकसान के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड कभी भी निश्चित नहीं होते, तो फायदे कम या ज़्यादा होने के चांसेज हमेशा रहते हैं। और अगर कोई आपसे कहता है कि कभी नुकसान नहीं होगा तो यकीन जानिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि इस ऐप में आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे बचाना है, किस कारण से बचाना है और कितने वक्त में बचाना है। जब आप गोल सेट करेंगे तो ये ऐप आपको बता देगी कि आपको कितने पैसे हर महीने के जमा करने होंगे। इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लान कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। ईजी प्लान के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ अपनी EKYC को एक बार कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप सिर्फ 1 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके पास उसका फ्रीडम है। और अगर आप अपनी सेविंग को वापस निकालना चाहते हैं तो 90% पैसा आपके खाते में लगभग तुरंत ही आ जाता है और बाकी का बचा हुआ 10% पैसा भी 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। अच्छी बात यह भी है कि आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती, ना ही आपके लिए कोई फिक्स पेमेंट शेड्यूल है और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम होगा अपनी चॉइस से पैसा इन्वेस्ट करने का। एक अच्छी बात यह भी है कि इन्वेस्ट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, भीम या फिर किसी UPI ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहें तो अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ईजी प्लान की मदद ले सकते हैं। आपको इसके लिंक पिन किए हुए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो आपको देखना है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें तो इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।